जो कुछ मैंने उनको बताया क्या कोई यकीन नहीं आया? ऐसा तो नहीं कहा मैंने, लेकिन तुम्हारे भाई के अंदाज से तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मैं कोई घिरा पड़ा फ्रॉडिया हूँ जिसकी जान पटक करके रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे। I'm sorry. Your patient is normal. हार गया तो फकीर। फकीर के साथ रह लोगी तुम? No matter what, here or hereafter. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मामा। बिजी हो? नहीं नहीं, आइए। अरे बस छुट्टी के दिन भी काम, कभी तो रेस्ट कर लिया करो। बस कुछ जरूरी चीजें थी, मैंने कहा देख लूं। आप बताएं। ठीक हूँ मैं। मैं सोची थी कि तूबा की शादी की डेट ना फिक्स कर लें। शादी? हाँ भाई, अब तुम मिल चुके हो, जान चुके हो शजी को, तो फिर देर काहे की। Don't you think आप लोग कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं? I mean, अभी तो उसकी कोई जॉब वगैरह भी नहीं है। तो उसे जॉब की क्या जरूरत है? उसकी जमीनें हैं, केस चल रहा है उसका, इंशाल्लाह वो जीत जाएगा। और अगर ना जीता तो? I mean, काफी कुछ डिपेंडेंट है कि फैसला उसके हक में हो जाए। अगर ना हुआ तो कुछ नहीं होगा उसके पास। देख लें जरा तूबा से, इन बारीकियों के बारे में भी डिस्कस कर लीजिएगा। इट्स इंपॉर्टेंट। माशाल्लाह आप बड़ी हो गई है, समझदार है। क्या बताऊं उसको मैं, उसने कुछ तो सोचा ही होगा, उसे भी पता ही होगा इन चीजों के बारे में। वैसे इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर अगर खुदा ना करे हो भी जाए तो हम तो बैठे हैं ना सपोर्ट करने के लिए। लेकिन फिक्र ना करो, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो क्या डेट है आपके जहन में, क्या सोच रहे हैं? पहले तो मैंने सोचा था तुमसे बात करूं, फिर शजी से बात करती हूँ कि उसका क्या प्लान है, और फिर देख लेते हैं कोई भी डेट मशवरा करके। ठीक है, कर लें आप उससे बात। कहाँ है तूबा? एज यूजुअल कमरे में, वही मेकअप के ट्यूटोरियल्स, वीडियोस, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। तुम बोलो ना अम्मी को कि मुझे रोक लें। अम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? भाभी को रोके ना। रोक ले अम्मी, मत जाने दे भाभी को। बस कर दो ना बेटा, जहाँ इज्जत नहीं है वहां रहने की भीख क्यों मांग रही हो तुम? बाबा मुझे हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे तो मैं जोड़ लूंगी, यहाँ रहने के लिए इनके पांव भी पड़ने पड़ेंगे ना तो मैं पड़ लूंगी। अम्मी मुझे रोक ले, मुझे नहीं जाना यहाँ से। चलो मायला, तुम्हारा रोना दिल चीर रहा है हमारा। तुम बोलो ना अम्मी को। चलो बस करो, आओ माया। मैं बोलो ना, मुझे नहीं जाना यहाँ से। अम्मी आप उन्हें रोक क्यों नहीं रही? रोके उन्हें? रोका क्यों? नया सबक लिखने के लिए खाली पन्ना चाहिए होता। अच्छा है वो हम सब का नाम अपने हाथों से मिटा डाले। शाजिया मेरी बहन, मैंने तुझे माफ किया,
तुझे भी, तेरे बेटे को भी अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। इस तरह नसीब में रोजी लिखी होती है, खुशी लिखी होती है, इसी तरह गम भी लिखे होते। चाहे कोई भी वसीला बने, मेरे नसीब में मेरी बेटियों का गम लिखा हुआ था। फिर चाहे तुम्हारा बेटा ही वसीला क्यों ना बने, मैं ही नादान था जो दिल में बैर बिठाए हैं तुम्हारे खिलाफ, गिरे लगाए बैठा था। माफ किया मैंने तुम्हें, अल्लाह के लिए माफ किया, दिल से माफ किया। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है ना, शायद इसी बहाने मेरी तकदीर में लिखे गम भी खत्म हो जाए और मेरी बेटियों के नसीब की आजमाइश खत्म हो जाए। शायद इसी तरह भी मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, मैंने तेरे साथ बड़ी ज्यादती की, मुझे माफ कर दो। ऐसे बोले ऐसे तूने जब अपना घर ले लिया है, यहाँ आम लेने आया है? आम भी समझ ले, वो यार वो अपना थोड़ी है, 35,000 पर डे पे लिया मैंने, पैसे देने थे उसको। हाँ जी मुसीबत, बल्कि जेब में पैसे उसे कोई नहीं, अब दे थोड़े से मैं फिर दे दूंगा तुझे। और तेरे पास पैसे नहीं खत्म हो सकते, जब तक लालची जिंदा है ना ठग नहीं भूखा मरता, और पैसे पूसे कोई नहीं है मेरे पास। तेरी बात सुन, अब जब तेरे दोस्त को जरूरत पड़ी है तो तू हाथ उठा लेगा है? ये करेगा मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ वापस दे दूंगा तुझे, जब जेब में आएंगे तो तुझे दे दूंगा। और जेबें तेरी पता नहीं कब भरेंगी। खुदा की कसम एक बार शादी होने दे, फिर तू देख क्या होता है, जेबें भी भर जाएंगी और बैंक बैलेंस भी। हाँ रब भी ना ठग को एक बात समझ में आने नहीं देता कि जितनी अकल उसके पास है उतनी बाकियों के पास भी है। और तुझे क्या लगता है शादी होते ही वो अपना सारा कारोबार तुझे दे देंगे और खुद संन्यास ले लेंगे? देख लूंगा मैं। और बस तू ओवर हो रहा है, मैं तुझे बता रहा हूं, बस तू पैसे से जरूरत पूरी कर मेरी। एक तो ना ये यारों की एंग्जाइटियां हमें चैन नहीं लेने देती, जिगर है तू, करता हूं कुछ। बहरहाल शादी मुबारक हो तुझे। खैर मुबारक।
ये क्या मिचक मिचक कर रहा है तू? इधर दे मुझे, मैं बनाता हूँ। अद्धे कहते तो बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं। आजकल ना स्टफ बड़ा। कब तक ऐसे चलेगा पता नहीं। खुद को इस गम से निकालो। क्यों? क्योंकि मेरी जान जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। मरे हुए लोग आगे थोड़ी बढ़ते। तो मरे नहीं, जिंदा हूं। एक ही बात महिला, किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। वो किसी नहीं, मेरा शौहर था। महिला अब नहीं है, पर तुम हो। और तुम अकेली नहीं हो, तुमसे जुड़े रिश्ते हैं, माँ बाप है। अम्मी और बाबा का सोचो, उनकी हालत देखे दिन ब दिन गिरती जा रही है। वो नहीं देख सकते तुम्हें इस हालत में। बाबा का ब्लड प्रेशर रोज शूट कर जाता है, अम्मी का बीपी हाई होता है, उनकी शुगर बढ़ रही है। मैं कल लेके गई थी हॉस्पिटल, पर तुम्हें किसी की खबर नहीं है। निकलो इस गम से बाहर मेरी जान। सुन रही है ना, मेरी सबसे प्यारी बहन, सबका इतना ख्याल रखने वाली, इसलिए देखा जा रहा तुम्हें इस हालत में। प्लीज गुड, मैं जब वापस आऊं तो मैं ये वाला चेहरा ना देखूं। सुन रही हो? सुन रही हो ना? वापिस इतना पैसा कहां से आएगा पुत्र? तू पहले ही लाखों खर्च कर चुका है, टेस्टों पे, दवाइयों पे, डॉक्टरों पे। अब और इतना पैसा कहां से आएगा? इसीलिए तो शादी कर रहा हूं। शादी कर रहे? मुझे लड़की से तो मिला दे, दुआएं दूंगी उसे। यही तो बताने आया हूं तुझे मैं, निकाह कर रहा हूं। निकाह? लेकिन वो एक छोटी सी गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? तुझे इतने बताया था ना कि वो बहुत बड़े लोग हैं। मेरे खानदान और माँ बाप का घर का पता सब पूछ रहे थे। मैंने डर के मारे उनसे कह दिया कि मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, माँ बाप भी नहीं है। मगर क्यों? शादी पे हमें थोड़े बहुत झूठ तो बोलने पड़ते हैं ना। अगर उन्हें बता देता
इधर आ जाते तो फिर क्या होता? कभी देते रिश्ता? लेकिन मैंने तेरा बताया उनको, अप्पू जी का नहीं बताया। लेकिन उनसे ये कहा है कि तूने पाला है मुझे, तू दाई है मेरी, तेरा बोल दिया मैंने। क्या? मुझे मां कहते हुए तुझे शर्म आती है? की हो गया माँ जी, शर्म क्यों आएगी है? और मैं तुझे अपनी माँ कहूं या ना कहूं, हमारा रिश्ता थोड़ी बदल जाता है। तू तो मेरी माँ है, मेरी जिंदगी है, तू जानती है तुझसे कितना प्यार करता हूं मैं, हैं? तू तो सब कुछ है मेरा। अब तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैंने गेम कोई और डाली है, थोड़ा बहुत ऐसे करना पड़ता है, बात को घुमाना पड़ता है। देख माँ जी, सच्ची बात है, गरीब को कोई घास नहीं डालता, थुकदा नहीं गरीब दे मुंह ते कोई आजकल, और अमीर जो जो मर्जी हो सारे हाथ बांध के उसके आगे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने भी छोड़ दी लंबी लाइन, मैंने कहा जमीनें भी हैं, जायदाद है, घर बार सब कुछ है मेरे पास। तो खुद बता मुझे, अगर वो लोग इस बदबूदार जगह पे आ जाते, अब्बा जी से मिल लेते, तू इतनी सादी सी, कभी रिश्ता देते? बता ना, देते रिश्ता? पर ये तो धोखा हुआ ना। वो बाहर ने क्या धोखा, कौन सा धोखा? धोखा बता दूंगा उसको, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दूंगा मैं, नहीं छुपाऊंगा, लेकिन वक्ती तौर पर ये मुझे करना पड़ना था। तू मुझे एक बात का जवाब दे, तू चाहती नहीं तेरा बेटा ऐश करे, एक बड़े घर में रहे, हैं? तू भी वहां पे रहेगी, तेरे आगे पीछे 10-15 नौकर होंगे, ठाट से मंजी पे बैठ के ऐश करेगी, हुक्म चलाएगी सिर्फ, अब्बू जी का इलाज कैसे करवाएंगे? खुदा की कसम मैं इसको मरता हुआ नहीं देख सकता, इसका इलाज करवाना चाहता हूँ, किस पैसे से करवाऊंगा? हलाल के पैसों से तो नहीं होता, बता मुझे, कोई गलत काम किया मैंने? सगो तेरे ते खुश होना चाहिए, हमारे हालात बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो छोड़ अब इन बातों को, दफा कर, तंग आ गया ये बातें सोच सोच के। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, हैं? ब्रांडेड नवा नकोर जोड़ा, जुतियां विच जेवर भी है। अब जिस दिन मैं कहूंगा ना, उस दिन तैयार हो जाए, फिर मेरे साथ चल, अपनी सोनी नूर वेखण, हैं? ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू क्या कह रहा है, क्या कर रहा है ये? ओ तेनु की लोड़ है समझन दी? अपने बेटे पे एतबार कर बस, मुझे करने दे जो मैं कर रहा हूं, इस बार जीतने दे, एक बार, हमेशा के लिए हालात बदल जाएंगे। अच्छा जी, अब हमारी जमील के लिए एक स्पेशल सा ड्रेस बनाइए आप। क्या बनाएंगी? क्या पहनना चाहेंगी आप पप्पू की शादी पे? मुझे सिंड्रेला वाला ड्रेस चाहिए। हाँ, लेकिन काफी ओल्ड स्कूल है, ओल्ड फैशन है, मैं आपको कुछ उससे बेहतर डिजाइन करके दे सकती हूँ। रियली? इतनी जल्दी किसी से फ्रैंक नहीं होती है, बहुत दोस्ती होगी तुमसे, अब इसकी डिमांड पूरी करो भाई, ताकि दोस्ती पक्की हो जाए। कोशिश करूंगी मैं। तुबा का ड्रेस कहाँ तक पहुँचा? ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, आज फाइनल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब तो दो हो गए, काम बढ़ गया। आइसक्रीम खा ली? अच्छा रुको रुको, What? उधर नहीं देखना। But why?
दो मिनट के लिए यार। okay. आंखें बंद करो, आंखें बंद और आंखें आंखें बंद, आंखें खोलनी नहीं है, बिल्कुल नहीं खोलनी, आंखें खोलनी okay, नहीं है okay. और अब चलो आगे आओ, आओ ना हाँ? मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, आंखें नहीं खोलनी है। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू और बस 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 यहाँ पे रुक जाओ okay. आंखें नहीं खोलनी। ओके अब तुम आंखें खोल सकते। Da 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 da. Aww, so pretty. एक प्रिंसेस जब घर में आती है तो उसके लिए सारा एहतमाम किया जाता है। Now, shall we? सही साइज। ओह सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है आपका कंगन। ओह थैंक यू, कहाँ से लिया? मेरे हस्बैंड ने दिया मुझे, पहला गिफ्ट। पुराने जमाने का है? हाँ उनकी दादी का है। यकीन नहीं आ रहा, पता है रोज ख्वाब देखता था कि तुम दुल्हन बनी मेरे घर में मेरे सामने बैठी हो रोज। तुम्हारा ये ख्वाब अब पूरा हो गया। I'm here with you. किसी हिरनी की तरह मेरे दिल पे गजब था रही। Oh my God! यूं आंखों पर झुकाना, इन्हें उठाना, वाह, तुम्हें देख के दुनिया की बाकी सारी चीजें भूल जाऊं। कुछ रखा हुआ था तुम्हारे लिए। ये कंगन मेरी अम्मी के हैं। मैंने सोचा कि अम्मी की बहू को पहनाने चाहिए। yes. सही साइज। ओह सो ब्यूटीफुल, थैंक यू, आई लव इट।
Hi, Maya. Hi. How are you? I am good. I'm pretty well. Congratulations. Thank you so much. Listen, I wanted to thank you for the dress. It was so beautiful. I loved it. I'm glad you liked it. तुम आई क्यों नहीं शादी पर? जब कोई आपके घर में सोग में हो तो आपका दिल भी कुछ कुछ मर जाता है. फिर मरे हुए दिल के साथ किसी की खुशियों में शामिल होना नासिब है. I'm really sorry. It's okay. Designs. Oh my God, this is pretty. बहुत अच्छा काम है तुम्हारा. I'm really impressed. तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं और इस कंगन ने तो तुम्हारे हाथों की शान बढ़ा दी. दादी का था, बाकी सब तो हालात की नजर हो गया. बस ये बचा था. बाबा ने कहा दादी की चीज है तो मैं अपनी बड़ी बेटी को दूंगा. एक ही है क्या? एक ही था. मैं तुम्हें ऐसा दूसरा बनवा देता हूँ. जैसे आपकी मर्जी. ये कब बनाया तुमने? हेलो माया, आर यू ओके? बहुत खूबसूरत है आपका कंगन. Oh, thank you. कहाँ से लिया? मेरे हस्बैंड ने दिया मुझे. पहला गिफ्ट. पुराने जमाने का लग रहा है. हाँ, उनकी दादी का है. मेरी दादी का भी सेम कलर था. Excuse me. सुनिए. तूबा कहाँ है? जी आप तूबा मैम से मिलने आए. वो आप सीधा जाएंगे ना, वहां से लेफ्ट हो जाना, आपको मिल जाएंगे. थैंक यू. कहाँ के हैं आपके हस्बैंड? ही इज फ्रॉम पेशावर. आई मीन उनका जो खानदान है वो पेशावर से है. वहां पे उनकी काफी जमीनें वगैरह. पठान है. क्या हो गया माया? तुमने तो इन्वेस्टिगेशन ही स्टार्ट कर दिया. इतना तो मेरी मॉम और भाई ने भी नहीं पूछा. I'm sorry, ma'am. अच्छा listen, वो पर्पल ड्रेस तुमने डिजाइन किया था, एक वो लॉन्ग सा. Can I have it? मुझे चाहिए. It's almost ready, I think. Thank you. Wait, मेरा मोबाइल. हेलो. हेय. चलें? अभी नहीं, वो एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर माय ड्रेस. तुम घर मंगवा रही थी? तुम्हारी अपनी बुटीक है? नो, एक्चुअली उसका भी नाम नहीं रखा कोई, सो फोन पे मैं कैसे समझाती. इजीली एक्सप्लेन हो जाता है वो. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार अपने काम पे सिर्फ कपड़े उठाने आना कुछ अजीब सा नहीं लगता? वैसे इट्स अ नाइस प्लेस, ह्यूज सेटअप. हाँ, किसने किया सारा? सब कुछ मॉम का है, और किसका होना. बड़ी टैलेंटेड है आंटी. तुम क्यों टेक ओवर कर लेती? तुम्हारा ड्रेस सेंस इतना ब्रिलियंट है, तुम तो बहुत अच्छा चला सकती हो. मी? नो, मैं क्यों करूंगी टेक ओवर? नहीं, वो इसलिए कह रहा हूँ, आंटी की थोड़ी एज ज्यादा हो रही है. आई थिंक उनको भी रिलैक्स करना चाहिए. तुम्हें ख्याल रखना चाहिए अपनी अम्मी का ना. प्लीज आप मॉम को ये ना कह देना, एज का तो बिल्कुल भी जिक्र मत करना. अच्छा, बहुत बुरा मानेंगे वो. मुझे दो मिनट दो, मैं वेट कर रहा हूँ. ओके.
अब तो शादी भी हो गई है, अब क्या बहाना है तेरा? माल खींचना शुरू कर। पागल हो गया? अजीब सलाहें दे रहा है मुझे। जुम्मा जुम्मा चार दिन हुए शादी को, बल्कि चार भी नहीं, अभी से शुरू हो जाऊं? थोड़ा टाइम लगता है, सबर कर ले, कर लूंगा कुछ। जितना इंतजार करेगा ना तो अपना नुकसान कराएगा, जल्दी कर। वो जल्दी कर दिए यार, हो जाएगा सब। कुछ टाइम तो लगता है, कल मंदी से चलना पड़ता है यार, और अभी तो कुछ जरूरत है मुझे पैसों की, तो थोड़ी सी मदद कर दे मेरी। वी को 1000 रुपया दे दे, मैं वापस कर दूंगा। मेरे साथ पैसों की अब तूने बात नहीं करनी, तेरे लिए कोई पैसा नहीं है मेरे पास अब। क्या हुआ तुझे? तू यार नहीं मेरा, मेरी जान हाजिर है तेरे लिए, वापस करूंगा, बोलते रहो। अब मंजिल आई खड़ी है तो तू मुकर रहा है? और तू तो कहता था कि बड़े बड़े आदमी की बहन है वो, 20,000 का तो वो एक टाइम में होटल में खाना खा लेती होगी। ओए मेरी बात सुन, तू अपने हिसाब से चल, अपनी औकात में रह। ओए यार देख मेरी बात सुन, मैं तुझे 20,000 का ना 30,000 दूंगा, कसम ले ले मुझसे। फिलहाल मुझे उसके हिसाब से चलने दे, वरना सारी बनी बनाई गेम खराब हो जाएगी यार। बड़ा टाइम हो गया कमेटी डाले, बड़ी कमेटियां दे दी हैं, अब कमेटी निकलनी चाहिए। माँ जी के 10 फोन आए हैं सुबह से, पता नहीं क्या इमरजेंसी। हेलो माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ माँ जी बताओ, फोन आ रहा था, क्या हुआ? वो अब्बू जी के टेस्ट के लिए कितने को पैसे चाहिए? 3,000, दिल करे तो दे दें। क्या हुआ आपको, मूड क्यों खराब है आपका? खैरियत? शुक्र है, शुक्र है, आज खानदानी नौकरानी की नाराजगी की भी परवाह हो गई। कमाल है माँ जी, और की करदा, और 10 में क्या मेरी माँ है। चुप कर जा वे बगैरता, चुप कर जा। अब तो इतना बड़ा हो गया है कि तुझे माँ कहते हुए शर्म आती है? ओ यार मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ सब कुछ, लंबा हाथ मारने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे मिलके ही ऐश करेंगे ना, मैं अकेला तो नहीं खाऊंगा, सबको फायदा पहुंचाऊंगा मैं। आप भी ऐशी करोगी, अब्बा जी का भी इलाज होगा। कमाल है, कोई समझने को तैयार ही नहीं बात मेरी, हद हो गई है। ओ माँ जी थोड़े बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, वक्त लग जाता है, चीजें हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ तो क्या तू सारी जिंदगी हमें माँ बाप नहीं बताएगा? ओ तो मुझे कौन सी कोई बादशाहत मिल गई है या सुरखाब के पर लग गए हैं? मेरे माँ प्यो नहीं बढ़ोगे तो की हो जाएगा, जिंदगी नहीं चलेगी आगे? ओ पहले दुनिया में सासों ने स्यापा डाला हुआ है, तू सास से बनेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ तुझे क्या फर्क पड़ता है, हम जिए मरे या हमारे साथ कुछ भी हो जाए, तुझे ही क्या बेफिक्र। वैसे कमाल है माँ जी, जान छिड़कता हूँ आप लोगों पे। और बीच में माँ जी एक जरूरी फोन आ रहा है, वो करता हूँ फोन, अभी कर रहा हूँ। हाँ चलना करी मनु, फोन करता हूँ, रहन दे। हेलो। हाँ वो बेबी, मैं अपने लॉयर के पास बैठा हूँ। हाँ आई लीव इन 10 मिनट्स। हाँ मैं पिक करता हूँ तुम्हें, ऑफ कोर्स। हाँ वी विल गो आउट, चलो सी यू, आई लव यू। अब मेरा वो फेवरेट जो जोड़ा है वो पहनना तुम्हें, सी यू बाय। शजी तेनू पता है ना, डॉक्टरां के डॉक्टरी नहीं करी दी। यार तू खामखा काला पड़ रहा, सब कुछ सेट हो जाएगा, हाथ में तो आने दे, सबसे पहले ना तेरा फायदा करूंगा। ठीक तो पुत्र होना ही पड़ेगा। बिल्कुल वैसा कड़ा था मैं दादी वाला, पहले सब कड़े ही जैसे होते थे, उस वक्त सबको यही पसंद था। और तुम्हारी दादी जैसी खवातीन यही डिजाइन पहनती थी बेटा।
हाँ हो सकता है। माया तुम क्या टोमे लगी रहती हो, पिछली बातें भुला क्यों नहीं देती हो, आगे बढ़ो बेटा। पता नहीं क्यों मम्मी नहीं जाती है वो बातें, बार बार एक ही ख्याल आता है क्यों आया सब मेरे साथ, मैं ही क्यों। दिशा बदल लो बेटा, नई क्लास में जाओ, नया सबक पढ़ो, हमें भी अपनी औलाद की खुशियां देखने का हक है। हो सकता है तुम नया सबक पढ़ो, सफा पलटो, उसमें खुशी लिखी हो। मैं यहां बैठ जाऊं, मेरे बैठने से कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? पहले भी जो नुकसान हुआ है तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। क्या कह रही हो माया, तलाल को मेरे सामने मार दिया, उसने मना भी किया था कि जेवर नहीं पहना, मैंने उसकी नहीं सुनी। जब जिंदगी में सब अच्छा हो रहा होता है ना, तो हमें लगता है कि कुछ बुरा होगा ही नहीं, इसलिए हर वक्त डरते रहना चाहिए। नहीं मायना, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो नसीब में लिखा था, और जो नसीब में लिखा हो वो होके रहते, ऐसा मत सोचो, संभालो खुद।